बात है, समझे मुख्यमंत्री जी। हम लोग अब जीने लायक नहीं रह गए हैं, न व्यापार करने लायक रह गए हैं, अब बताइए कि हम लोग कैसे जिए। ये पीपी ज्वेलर्स के मालिक है मुंगेर के, और ये खबर देखिए, पूर्वी चंपारण में एक थोक विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये स्थिति है व्यापारियों की, मतलब जब आप पूछते हैं कि बिहार में का बा, तो यही जवाब निकलता है बिहार में सुशासन के सरकार बा, अब व्यापारियों में हाहाकार बा। मतलब एक व्यापारी गिड़गिड़ा रहा है, और ये वीडियो वायरल है, कई दिनों से लोगों के बीच में है, लेकिन किसी बड़े मीडिया हाउस में इस पर कोई डिबेट नहीं है कि बिहार में इस वक्त व्यापारियों की हालत क्या है। नालंदा में जो जहरीली शराब से मौत हुई वो एक अलग कहानी है, और लगातार आप सारण से चंपारण, नवादा से नालंदा, जो शराब की जहरीली शराब की घटनाएं घटी उसको देखने के बाद भी अभी भी नीतीश कुमार अपनी शराब नीति को लेकर जिस अरियल रवैये का परिचय दे रहे हैं, वो आने वाले दिनों में बिहार के लिए कितना घातक साबित होगा वो दिख रहा है। इसी शराब की वजह से, इन्हीं शराब माफियाओं की वजह से पिछले दिनों मोतिहारी में इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी की हत्या तक हो गई। लेकिन आज बात व्यापारियों की। ये पीपी ज्वेलर्स के मालिक अभी ये दावा कर रहे हैं कि ये लाखों रुपए, लगभग 35 से 40 लाख रुपए सालाना टैक्स देते हैं, बावजूद इनको लगातार धमकी मिल रही है रंगदारी टैक्स वगैरह को लेकर, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है, जैसा कि इनका दावा इस वीडियो में है। दूसरी खबर, वही मुंगेर से, इधर आप आए गंगा के इस पार, तो पूर्वी चंपारण में ये रामगढ़वा एक जगह है, वहां पर एक व्यापारी की हत्या हुई, और ये बड़ी दुखद हत्या है, उसको लेकर के व्यापारियों में रोष है। क्या कह रहे हैं व्यापारी पूर्वी चंपारण के, जरा इनको भी सुना है। जैसे सारा पुलिस बल सिर्फ शराब 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 और शराब माफिया की कुछ कमी है, संसाधनों की भी कमी पुलिस के पास है। वर्तमान में तो बहुत अच्छे पुलिस पदाधिकारी है, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि शीघ्र एकदम हत्यारे पकड़े जाएंगे। लेकिन सरकार से हमारी एक और मांग है कि जब व्यवसायी रेवेन्यू कलेक्ट करने में एकत्र करने में जी, यूँ तो पता चलता है कि लहना में गए हुए थे, वहाँ से रिटर्न हो रहे थे, तो उनको एक व्यवसायिक और विपरीत स्थितियों में सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं करती है। हमारे जो वो एकमात्र कमाने वाला घर का आदमी था, उसकी मौत हो गई, भी घटना हुई जी, रामगढ़वा में भी घटना हुई। ये लगातार इन सब तरह की घटनाएं जो हो रही है, ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। और मैं यहाँ के हमारे कप्तान, पुलिस कप्तान साहब से आग्रह करता हूँ कि इन सब चीज़ों पर बहुत कड़ाई से लागू करें। ऐसे अब इतने के बाद क्या कहा जाए, यही कहा जाए कि सुशासन है, मतलब बिहार में सुशासन के सरकार बा, व्यापारी में हाहाकार बा, अब बाकी सब जो चल रहा बा वो भगवान के चमत्कार बा। तो ये देश और ये राज्य बिहार सचमुच भगवान भरोसे चल रहा है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जो कभी 2005 में ठीक होनी शुरू हुई थी, जो विजिबल था, दिख रहा था कि कानून व्यवस्था का असर दिख रहा है। लोग देर रात बाहर निकलते थे, व्यापारी बाहर से आकर यहाँ पैसा निवेश कर रहे थे, लेकिन 5 साल सब कुछ ठीक ठाक चलने के बाद 2012-13 के बाद जाने क्या ग्रहण लगा इस सुशासन की सरकार को, नीतीश कुमार के सुशासन को, कि पिछले 4-5 सालों से फिर वही स्थिति है जिसको ऑफिशियली अनऑफिशियली कोई माने या ना माने, ये उन्हीं उसी जंगल राज की याद दिलाता है जिस जंगल राज की याद दिला दिला कर 17 साल से डबल इंजन की सरकार अपनी सरकार बिहार में चला रही है। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना हो, इसका खामियाजा हम बिहारियों को ही भुगतना हो, हम भुगत ही रहे। पिछले 2 साल से कोरोना के इस काल में जब आर्थिक मंदी आई, आर्थिक स्थिति चरमरा गई, तब बिहार जैसे स्टेट की हालत और भी खराब है। उस पर शराबबंदी या उससे होने वाले जो राजस्व की हानि थी, चलिए वो एक अलग चीज है, इसको लेकर के इस हानि को पाटने के लिए नीतीश कुमार ने कई वादे किए थे कि हम ये काम करेंगे,
हम केंद्र से स्पेशल स्टेटस की मांग करेंगे। नरेंद्र मोदी भी बिहार आकर 1,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात कई बार कर चुके, इनमें से कुछ नहीं मिला। असर क्या हुआ? असर आज ये हुआ कि आज बिहार अपराध, और ये अपराध सिर्फ दो चीजों से, जमीन और शराब। आप जितनी भी अपराध की घटनाएं हैं बिहार में, जितनी भी हत्याएं हैं, उस सब के मूल में जाएंगे तो आपको जमीन मिलेगा, शराब मिलेगा, और इसका कोई इलाज अभी होता दिख नहीं रहा है। तो शुक्र मनाइए और थैंक्स बोलिए डबल इंजन सुशासन की सरकार को कि बिहार में सुशासन की सरकार है, व्यापारियों में हाहाकार है और शुतुरमुर्ग की तरह आंखें मूंद कर बैठे रहिए। इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। नमस्कार।